नहीं बनानी चाहिए। जी धीरे जी बताओ क्या मसला हुआ है। मसला डांगरी तकरीबन 7 बजे का टाइम है, थोड़ी पटाखों की आवाज़ आई है तो एक दो जगह से कॉल आई है कि भाई ये हमने सोचा कि रूटीन में जैसे पटाखे चलते हैं तो वैसे ही बात हुई है, लेकिन आज कोई मसला भी दूसरी तरफ था। तकरीबन 7 बजे के बाद है, 7 बजे ही वहाँ से फायरिंग होती है, जंगल की ओर से रास्ता नीचे आता है, रास्ते में पहले एक कार को हिट किया जाता है, वहाँ दो लड़कों को जो दो नौजवान दो सके भाई थे उनको पहले हिट किया जाता है, उसके बाद वहाँ से जो बंदे निकलते हैं नीचे ही मोहल्ला पड़ता है, नीचे मोहल्ले में जाते हैं और एक ही घर में 3-4 आदमी को गोली मार देते हैं। अभी कंडीशन में यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकता, बड़ी बुरी कंडीशन में है जो हमारे लोग जो जख्मी हैं, दो आदमी तो इस वक्त जो अपनी जान जो है उनकी जा चुकी है, तो अभी हमारे 3-4 लोग पता नहीं है कि कितने लोग और भी हैं, तो जख्मी अभी पता नहीं है 3 हैं 4 हैं कोई पता नहीं, यहाँ पे समझ नहीं आ रही है। तो हमारा उसी टाइम ही हमने कंसर्न जो है पुलिस को हमने कॉल किया और पुलिस को हमें वहाँ पे बुलाया, लेकिन पुलिस जो है अभी तक जो है उसके बाद कम से कम जैसे ही कॉल किए वहाँ पे इनके पास, वैसे तो पुलिस हर जगह पहुँच जाती है लेकिन इस टाइम पे के ऊपर हमें जो वहाँ पर नहीं पहुँची है, और वहाँ के निवासी जो लोकल निवासी थे और जो थे जिन्होंने जो बाकी जो जख्मी बचे हैं अगर वहाँ नहीं जाते, वो अगर वहाँ से नहीं उठा कर लाते तो वो भी दम तोड़ सकते थे वहाँ पर। तो मैं धन्यवाद करता हूँ लोकल लोगों का, वहाँ से जिन्होंने वहाँ से जो लोग उठाए जख्मी और जहाँ पर बचाए, खास खस्ता हाल था यहाँ हॉस्पिटल की भी, यहाँ भी कोई इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है, यहाँ भी आए हैं तो इमरजेंसी में डॉक्टर इंजॉय कर रहे हैं मज़े ले रहे हैं वहाँ पर, मैंने उसको वहाँ से उठाया और जाकर लोगों के बीच में जाओ, हमने दो डॉक्टर डिप्यूट किए, ये कुछ जवाब है इनका। सर कोई डॉक्टर ने देखभाल नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, बैठ सब मर गया, बंदे मरे हुए देखे मैंने, 15 मिनट में तलोड़ी से इधर तक आया है, इधर बैठ कोई पता नहीं मिला मुझे, कोई पता नहीं मिला, डॉक्टर जब देखी मेरे डेड बॉडी देखी मैंने, क्यों 15 मिनट से तलोड़ी से इधर आया था, क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं क्यों।